हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू पीपल आर डूइंग गुड। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बिल्कुल नया वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ माई डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन। मुझे डायमंड्स बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज नहीं है। ऑब्वियसली डायमंड इज एक्सपेंसिव। रिसेंटली मैंने कुछ कुछ परचेज करना शुरू किया है, सो ज़्यादा बात नहीं करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड इन टू द वीडियो। तो एक के बाद एक मैं दिखाऊंगी आपको सारी बॉक्सेस। तो लेट मी शो यू दिस वन फर्स्ट। तो ये बॉक्स एक्चुअल में कैरेटलीन से है और ये कैरेटलीन की ही ज्वेलरी भी है। कभी कभी मैं अलग अलग बॉक्सेस में रखती हूँ ज्वेलरी, सो दिस इज माय ज्वेलरी। मैंने उल्टा खुला है बॉक्स को, आई थिंक येस। सो आइडियली इस तरह की है ये ज्वेलरी। दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्रेसलेट फ्रॉम कैरेटलीन। ये नया आया था कैरेटलीन में जब मैंने इसे लिया था, तो काफ़ी सुंदर सा ब्रेसलेट है। आई होप यू पीपल कैन सी। और मुझे पता है कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर रहा है। अगर आप किसी भी कैरेटलीन स्टोर में जाके इस तरह का ब्रेसलेट देखेंगे, इट्स लुक्स रियली ऑसम। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसा ब्रेसलेट है। तो इट द डिज़ाइन इज सम वॉट लाइक दिस। ये देखिए, थोड़ा मेशी डिज़ाइन है इस तरह का। यू नो, थोड़ा रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है बट। एंड देन दिस इज द मिडल पोर्शन जो रहेगा आपके हाथ पे ऊपर, एंड दिस इज द डिज़ाइन। और ये रहा, इस तरह का लिंक है इसमें कि आप इसे लगा सकते हैं। तो एक बार अगर आप चाहते हैं आई कैन ऑल्सो पुट इट एंड शो इट। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। आई एम वेयरिंग माई गोल्ड बैंगल, तो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कभी भी किसी ऑफिस में अगर कोई फंक्शन है और सम पार्टी और समथिंग में, थोड़ा सा ऊपर करके कैमरा आपको दिखा दूँ, सो पीपल गेट अ फेयर आइडिया। तो ये देखिए, सम वॉट लाइक दिस, इस तरह का दिखता है ये डिज़ाइन। तो वही मैं कह रही थी, कोई भी फंक्शन पार्टी किसी के लिए भी ना बहुत ही अच्छा रहता है इस तरह का ब्रेसलेट। तो मेरे पास कोई भी डायमंड ब्रेसलेट नहीं था, तो आई हैव गॉट दिस फॉर माई सेल्फ। एडजस्टेबल है तो मेरे कलाई में हो जाती है। जो लोग मुझे फॉलो करे दे नो माई रिस्ट साइज इज लेस एज कम्पेयर टू जो स्टैंडर्ड साइज आता है, जो 7 inches, माई रिस्ट साइज 6.5 inches। तो क्योंकि यहाँ पर एडजस्टेबल लिंक्स है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, आई कैन वेयर इट एज सच। तो ये दिस इज लाइक वन ऑफ द डायमंड ब्रेसलेट्स। तो मेरा पहला कलेक्शन, नॉट माई फर्स्ट कलेक्शन, लेकिन माई फर्स्ट डायमंड ब्रेसलेट यू कैन से फॉर दिस वन। हाँ, अगर प्राइस के बारे में बात करें, आई गॉट दिस वन लास्ट ईयर। मैंने अपने बर्थडे पे लिया था ये डायमंड ब्रेसलेट। इट कॉस्टेड मी अराउंड 67,000 रुपीज तब था उसका प्राइस। आई डोंट नो आज के डेट में क्या है, बट फ्रेंड्स आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। कैरेटलीन के लिंक्स तो ईजिली मिल जाते हैं उनकी वेबसाइट से। आई पुट दोज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, ताकि आप लोगों, अगर आप चाहें, इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस, आप जाके देख सकते। दिस इज 14 कैरेट रोज गोल्ड। ये जो है मटेरियल, दैट इज रोज गोल्ड, और ये 14 कैरेट वाला है जिसमें कि बहुत सारे डायमंड्स लगे हुए हैं। तो अगर आप धूप में से पहन के जाएंगे ना, शाइन इज अमेजिंग। तो ठीक है, मैं लिंक्स डाल दूंगी फॉर योर रेफरेंस, ताकि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वन ओवर हियर, ये बड़ा वाला बॉक्स पहले मैं दिखा देती हूँ। एक्चुअली ये भी जो लोग मुझे थोड़े पहले से फॉलो कर रही हूँ पीपल नो, क्योंकि ये जो डायमंड सेट है, दिस आई हैव गॉट रिसेंटली, आई मीन आई परचेज रिसेंटली, जिसमें कि ये पूरा सेट लिया है मैंने यहाँ पे। आई डोंट नो कितना आप लोगों को दिख पा रहा है। तो दिस हैज़ दिस ब्यूटिफुल चेन विथ पेंडेंट, तो पूरा मैचिंग सेट है। उसके साथ ये मैचिंग ब्रेसलेट है एंड दिस मैचिंग इयर रिंग्स टू। ये भी निकाल के मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो इस तरह का ये है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला था व्हेन आई परचेज दिस फ्रॉम ओरा। आई विल शेयर द लिंक मैं अब, या फिर यहाँ पर एक आई कार्ड लगा दूंगी फॉर योर पीपल रेफरेंस। तो ये पूरा जो है सेट, दिस थ्री, ये तीनों मुझे मिला के पड़ा था ओनली 1 lakh rupees। तो 1 lakh में आ गया था ब्रेसलेट प्लस दिस इयर रिंग्स एज वेल एज दिस चेन विथ पेंडेंट। तो डिटेल्ड बिल भी मैंने वहां पर शेयर किया था। इसका एक्चुअल कॉस्ट था 1,48,000, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट फॉर 1 lakh इट्सेल्फ आई हैड गॉट दिस एंटायर सेट। तो इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम और नहीं बताते हुए, आई मीन नहीं वेस्ट करते हुए, क्योंकि आप ये वाला वीडियो अगर चाहें तो यू कैन, डिटेल्ड वीडियो यू कैन आराम से गो एंड चेक इट ओवर देयर। आई पुट दिस लिंक अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है ओरा की ज्वेलरीज में, क्योंकि ओरा के डायमंड्स अच्छे होते हैं। मैंने कहा भी था गोइंग फॉरवर्ड आई गो एंड बाय फ्रॉम देम ओनली। तो आप लोग देख सकते हैं। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडिशन मैंने कर लिया था विच इज ऑफ दिस इयररिंग्स। ईयरिंग्स मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। मैं ज़्यादातर ईयरिंग्स प्रिफर नहीं करती ऑफ डायमंड। प्राइमरी रीज़न यह होता है ना, दिस बिकॉज ऑफ दिस,
ये जो इसका जो स्टेम है ना, यानी कि जो कान में जाता है, ये इतना बड़ा होता है ना, ये चुभता है कभी कभी, तो आई पर्सनली डोंट लाइक इट इतना, क्योंकि गोल्ड का अगर आप देखेंगे ना तो वो छोटा रहता है और वो थोड़ा इतना पॉइंटेड भी नहीं रहता, बट आई डोंट नो इन डायमंड वो लोग इतना लंबा क्यों देते हैं, एंड ये थोड़ा सा शार्प भी रहता है, तो कभी कभी आप अपने हाथ या ऐसे बाल में लगाओ ना तो इन दैट केस तो ये चुभता है मुझे, तो मुझे उतना पसंद नहीं आता, या फिर सोते टाइम भी चुभता है मुझे, तो मैं ज़्यादा डायमंड के इयररिंग्स रखती नहीं हूँ, बट ये बहुत ट्रेंडी थे, आई गॉट इट फ्रॉम रिलायंस ज्वेल्स, एंड दिस वन आई गॉट इन अ ब्लैक फ्राइडे सेल, नवंबर में लगता है ब्लैक फ्राइडे सेल, उस टाइम में मैंने लिया था, आई थिंक ये हो गए हैं 5-6 साल, इट जस्ट कॉस्ट मी 6,000 रुपीज, कैन यू बिलीव इट फ्रेंड्स, आजकल तो आई डोंट थिंक इन 6,000 यू विल गेट दीज मेनी डायमंड्स, आई थिंक ऑलमोस्ट इसमें 6 या 8 डायमंड लगे हैं, मोर देन दैट आई थिंक, या अराउंड 8 to 10 डायमंड्स इन ईच इयररिंग्स स्टड में लगे हुए हैं, बट द प्राइस वॉज जस्ट 6,000 रुपीज एट दैट टाइम। तो बस यही दो इयररिंग्स है मेरे पास डायमंड में, अगर कभी पहनना होता है वेयर दिस वन, या फिर ये तो अभी नया आए हैं, आई हैव नॉट इवन इनॉग्रेटेड इट, ये मैंने एक और लिया है, तो इस तरह का पहन सकते हैं। तो विल क्लोज दिस बॉक्स, इस पर ज्यादा डिस्कशन करने जैसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने दिखा ही दिया, लेकिन मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ अपना फेवरेट कलेक्शन और जो मैंने सबसे ज्यादा खरीदा है, एंड दिस बॉक्स इज अ रिंग बॉक्स, देखिए ना सुंदर सा बॉक्स है ना, अगर आप लोगों को जानना है ना कि बॉक्स का लिंक क्या है और यू वॉन्ट टू सी कि मैं अपनी ज्वेल्स कहाँ पे रखती हूँ, ये तो मैंने दिखाने के लिए बॉक्सेस में डाल दिए हैं अच्छे अच्छे बॉक्सेस में, लेकिन एक्चुअल में कहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े बॉक्सेस आप कहाँ पे कौन से शेल्फ में फिट करेंगे, तो अरेंज एंड कीप देम, तो अगर आपको वो भी जानना है यू कैन टेल मी दैट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। तो दिस इज लाइक अ वेरी कॉम्पैक्ट ज्वेलरी बॉक्स, इसमें है डायमंड रिंग्स, सो हियर इट गोज, यस यस माई फ्रेंड, सो दिस इज माई डायमंड रिंग कलेक्शन। रिंग्स का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, आपने खुद ही देखा होगा अक्षय तृतीया हुआ, धनतेरस हुआ, एटलीस्ट वन रिंग आई डेफिनेटली परचेज, तो डायमंड रिंग्स में मैंने ऐसे थोड़े थोड़े करके परचेज करके आई हैव परचेज्ड अ लॉट, इसमें नॉट लॉट लेकिन मतलब है मेरे पास, एटलीस्ट आई थिंक मेरे पास शायद गोल्ड रिंग से ज्यादा डायमंड रिंग्स है, तो एंड डायमंड सूट्स मी, तो इसलिए भी मैं लेती हूँ। इसमें से बहुत सारे रिंग्स आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, इट्स फ्रॉम कैरेट लेन, कुछ कुछ रिंग्स अलग जगह से हैं, सो आई विल शो यू एवरीथिंग, मैं पहन के भी दिखाऊंगी। तो दिस रिंग, लाइक इफ यू पीपल रिमेम्बर, ये अक्षय तृतीया पे लिया हुआ था फ्रॉम तनिष्क, तो इसको अभी निकाल देते हैं एंड आई विल शो यू। सो फर्स्ट रिंग ओवर हियर, दिस वन इज फ्रॉम कैरेट लेन, 18 कैरेट गोल्ड है, इसे मैं अक्सर पहनती रहती हूँ, आई डोंट नो जब मैं वीडियो शूट भी करती हूँ तो ये रिंग आपने देखा होगा, बहुत बार मैंने पहन रखा होगा वहाँ पे, तो इसमें लगे हैं बहुत सारे डायमंड्स, दिस आई थिंक आई गॉट लास्ट ईयर, 42,000 था तब इसका प्राइस, आई एम नॉट श्योर वॉट इज द करेंट प्राइस, तो ये मैंने स्कीम में लिया था, जब मेरा स्कीम मेच्योर्ड हुआ था आई हैड बॉट दिस पर्टिकुलर रिंग, तो थोड़ा सा बड़ा था, मुझे पसंद भी था, थोड़ा हाथ अच्छा लगता है इस तरह बड़े बड़े रिंग्स पहनने से, सो आई लाइक्ड इट, इसीलिए ये वाला मैंने खरीदा था तब फ्रॉम कैरेट लेन। तो इस रिंग्स के भी अगर आपको लिंक्स चाहिए आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। नेक्स्ट वन, पीपल हु आर फॉलोइंग मी फ्रॉम 1 ईयर, ये आप में से सबको पता है, इट्स माई फेवरेट रिंग, ये मेरी हार्ड अर्न मनी की है बिकॉज इट्स माई फर्स्ट सॉलिटेयर, मुझे इतने सालों से मन था सॉलिटेयर खरीदने का, मैंने सेव किया था एंड आई लिटरली ब्रॉट दिस सॉलिटेयर, तो ये जो सॉलिटेयर है दिस वन कॉस्ट मी 90,000 रुपीज, तो आई थिंक 0.3 कैरेट का डायमंड है ये, तो इट्स अ सिंगल डायमंड, सॉलिटेयर इज अ सिंगल डायमंड जिन लोगों को नहीं पता है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो मैंने ये वाला डिज़ाइन दिया था उस टाइम पे, बहुत अच्छा लगता है, वेरी कंफर्टेबल, ये रिंग बहुत स्मूथ है, जो लोग बोलते हैं ना डायमंड रिंग इट हर्ट्स, ये बहुत स्मूथ है, आप इसका बेस पे देखिए बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आई थिंक आज के डेट में इन 1 ईयर द प्राइस हैज गॉन अप टू 1,05,000 आई थिंक फॉर दिस वन, लेकिन लास्ट ईयर इट वॉज फॉर 90,000 रुपीज। तो पहले कैरेट लेन का ही खत्म कर लेते हैं, सो दीज आर लाइक सम सिंपल रिंग्स फ्रॉम कैरेट लेन, ये 14 कैरेट रोज गोल्ड का है, आई थिंक दिस इज लाइक इंटरट्विंट लव रिंग, जैसे हार्ट शेप रिंग है ये, तो इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, दिस वन कॉस्टेड मी अराउंड 10,000 रुपीज, लेकिन आजकल शायद थोड़ा सा और बढ़ गया होगा, बट ये सिर्फ 10,000 रुपए का है, सिंपल कहीं पर अगर आप कुछ पहनना चाहते हैं, ऑफिस जा रहे हैं और
लाइक यू गोइंग टू द जिम और समथिंग, आप बहुत हैवी या बहुत आई कैचिंग नहीं पहनना चाहते लाइक दीज टू, तो इस तरह का आप डाल सकते हैं। डेली वेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं इस तरह के रिंग्स, इट्स लाइट वेट, देखने के लिए भी अच्छा लगता है और आराम से आप इसे पहन सकते हैं। 14 कैरेट गोल्ड है, रोज गोल्ड, तो इट्स रोबोस्ट एज वेल। तो दिस इज द नेक्स्ट रिंग, तो तीन रिंग दिखा दिए मैंने आपको यहाँ पे। ये एक रिंग था जो मैंने लोकल ज्वेलर्स से लिया था, दिस रिंग इज विथ मी फ्रॉम पास्ट 12 ईयर्स और मोर देन दैट, आई थिंक 13 ईयर्स हो गए हैं अब इस रिंग को। दिस इज माई फर्स्ट डायमंड रिंग परचेज एवर, तो बहुत पहले लाइक फॉर सम अचीवमेंट लाइक व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, उस टाइम पे मैंने ये रिंग लिया था। सो दैट टाइम, तो अभी तक भी है बिकॉज इट्स माई फर्स्ट डायमंड, नॉट जस्ट फर्स्ट डायमंड रिंग, इट्स माई फर्स्ट ज्वेलरी इन डायमंड, तो इसे मैंने अभी तक रखा है। ये उस टाइम पे लाइक दिस वन आई गॉट इन 2011, उस टाइम पे इसका प्राइस था 11,000 रुपीज, इट्स देयर स्टिल विथ मी। इसका शाइन सब कुछ वैसे का वैसे, 18 कैरेट गोल्ड जिसपे डायमंड्स लगे हुए हैं, तो बिल्कुल डिजाइन वैसे का वैसा है, कुछ भी डैमेज नहीं है। सो फ्रेंड्स फ्रॉम यर यू कैन नो कि डायमंड रिंग्स आप हमेशा के लिए रख सकते हैं, बोलते हैं डायमंड इज फॉर एवर, बस वही है ये। तो दिस इज लाइक द ओल्डेस्ट वन एंड माई फर्स्ट ज्वेलरी। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगेन, दिस वन इज अगेन फ्रॉम कैरेटलीन, जो लोग कैरेटलीन फॉलो करते हैं आई थिंक सीइंग देयर रिंग्स इटसेल्फ यू कम टू नो। सिंपल सा रिंग है ये, थोड़े से डायमंड्स लगे हुए हैं इस पे, ये भी ज्यादा नहीं है, प्राइस वॉज अराउंड 11,000 or 12,000 रुपीज, आई थिंक पिछले साल या उससे पहले साल ऐसे कभी लिया था मैंने ये। डेली वेयर के लिए अगेन वेरी नाइस, दिस इज 18 कैरेट गोल्ड जिसपे डायमंड लगा हुआ है। तो कैरेटलीन के जितने भी रिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, पुट द लिंक, जिन ज्वेलरी के लिंक मुझे मिल जाएंगे ना, पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन फॉर यू पीपल। दिस इज ऑल्सो, ये मेरा पहला रिंग है फ्रॉम कैरेटलीन। जब मैं पहली बार आई हर्ड अबाउट कैरेटलीन और मैंने उनका शोरूम या फिर स्टोर विजिट किया था, तो दिस इज द फर्स्ट रिंग विच आई गॉट फ्रॉम देयर। इट्स अ लीफ रिंग, सुंदर लगा था मुझे डिजाइन वाइज, तो कैरेटलीन इज डेफिनेटली गुड, तो बहुत सुंदर लगा था, तो आई हैड गॉट दिस पर्टिकुलर रिंग फ्रॉम देम। तो दिस वॉज लाइक अराउंड 13,000 or 14,000 ऐसे कुछ था, 18 कैरेट गोल्ड पे है दिस रिंग, तो अच्छा लगा था मुझे डिजाइन, तो इसलिए, तो दिस इज माय फर्स्ट ज्वेलरी परचेज। तो नेक्स्ट वाला अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया, तो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो दिस इज द नेक्स्ट रिंग, ये मैंने लिया था फ्रॉम भीमा ज्वेलर्स, ये देखिए। तो भीमा से ना शायद मैंने कुछ इयररिंग लिया था डायमंड में, लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा चुभ रहा था, इट वॉज रियली हर्टिंग मी अ लॉट। जब खरीदा था मुझे बहुत पसंद आया था, बाद में बहुत चुभने लगा, तो आई हैड गॉट दिस पर्टिकुलर, तो उसको एक्सचेंज करके भीमा में, क्योंकि अगर आप डायमंड को डायमंड के साथ एक्सचेंज करेंगे भीमा, यू गेट फुल 100% जो भी डायमंड रेट होगा उस दिन, तो उसको एक्सचेंज करके मैंने लिया था ये रिंग। ये रिंग अगर आपसे धूप में, अगर मैं आपको दिखा पाती अभी तो नहीं है, लेकिन अगर धूप में आप देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा शाइन करती है। तो भीमा के रिंग्स नॉर्मली इट इज 18 कैरेट गोल्ड, इस पर ये लगा रहता है लाइक विद डायमंड्स। तो इसका जो प्राइस था, आई होप यू पीपल एबल टू सी दिस, तो लीफ जैसा डिजाइन शेप ही है, तो इसका जो प्राइस है इट इज लाइक 27,000 रुपीज फॉर दिस वन। तो जब मैंने लिया था उसी के प्राइस के बारे में बोल रही हूँ मैं फ्रेंड्स, अभी का तो मुझे रेट नहीं पता, फिर भी आप 3,000-4,000 रुपये ज़्यादा हो सकता है, मे बी मोर, आई डोंट रियली नो। नेक्स्ट यहाँ पे, यस दिस इज अगेन वन मोर फ्रॉम कैरेटलीन, तो दिस इज अगेन ऐसे येलो गोल्ड पे है। दिस ये वाला मैंने लिया था बिकॉज इट हैज़ दिस बैगेट डायमंड्स, तो आपको पता है बैगेट डायमंड्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आजकल है, नॉट जस्ट आजकल, थे पहले से ही। और मुझे ना ये सिलेंडर, ओके तो पीपल जिनको नहीं पता बैगेट डायमंड्स क्या होते हैं, बैगेट इज लाइक ये जो सिलेंड्रिकल डायमंड्स आप बीच में देख रहे हैं ना, यूजुअली आप राउंड डायमंड्स देखते हैं जैसे इस तरह का है, दो सिलेंड्रिकल डायमंड्स, मैं और भी पास से दिखाती हूँ, दैट दोज आर नोन एज बैगेट कुछ तो बोलते हैं ऐसे, मतलब दिस से आप जैसे प्रोनाउंस करें, आई कॉल इट बैगेट डायमंड्स। तो ये जो बैगवेट वाला जो डायमंड है, तो मुझे ऐसा एक रिंग चाहिए था दैट्स, और कैरेटलीन के पास ना बहुत सुंदर डिजाइन है, इवन मैंने अलग वाला भी देखा था, बट दैट वॉज वेरी कॉस्टली, आई थिंक अराउंड 80-90,000 ऐसे कुछ था, तो मैंने ये सिंपल वाला लिया था, दिस वॉज अराउंड 20,000 आई थिंक, 20,000 का ही है ये रिंग। तो ये वाला, तो जस्ट फॉर दिस बैगवेट डायमंड्स आई हैव गॉट दिस रिंग,
लेकिन सिंपल है, आप ऐसे ही डाल दें। तो कभी कभी तो मुझे दूसरे ऐसे देखें तो सॉलिटेयर जैसा भी दिखता है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा फ्लैश। ओके हाँ, ज़्यादा फ्लैश नहीं है, अब दिख रहा है। तो ऐसे ही आप सिंपल सा कुछ पहनना चाहते हैं, कहीं पर जाना चाहते हैं, तो आराम से यू कैन वेयर समथिंग लाइक दिस एंड गो। तो डेली नॉर्मली डेली वेयर के ही डायमंड रिंग्स लिए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा फैंसी फैंसी वाले कुछ कुछ हैं, बाकी तो नॉर्मली डेली वेयर के ही हैं। आपको ठीक से अगर नहीं दिख रहा है, पुट इट लाइक दिस ताकि ये दिखे। ठीक है, तो वी हैव स्पोकन अबाउट लॉट ऑफ रिंग्स, दिस इज़ नेक्स्ट वन। ये भी मैंने भीमा ज्वेलर्स से लिया था, तो ये थोड़ा सा यू कैन टेल पेटल है, लीफ है, बटरफ्लाई डिज़ाइन भी कुछ कुछ लोग कहते हैं बटरफ्लाई की तरह दिखता है, वट एवर। तो ये इस तरह का रिंग है, तो कुछ इस तरह का दिखता है। दिस वॉज मतलब उस टाइम पे दिस इज़ लाइक वन ऑफ द कॉस्टली रिंग्स आई गॉट। मतलब अब तो मेरे पास ज़्यादा कॉस्टली है बिकॉज आई गॉट द सॉलिटेयर, लेकिन उस टाइम पे मुझे ये कॉस्टली लगा था। इट वॉज लाइक अराउंड 30,000 रुपीज़। तो इस रिंग को भी 3-4 साल हो गए हैं। आई थिंक ये भी मैंने किसी बर्थडे या फिर धनतेरस का भी तो ये लिया था, तो 30,000 का पड़ा था मुझे रिंग। तो मुझे रिंग वाइज महंगा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 3 साल पहले आप देखें तो गोल्ड रिंग्स ऑब्वियसली आपको कम प्राइस में ही मिलते थे, इतना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। एंड 30,000 फॉर अ रिंग तो मुझे ज़्यादा लगा था। बट आजकल है मेरे पास उससे महंगा रिंग, दीज टू आर कॉस्टलियर देन दैट वन। नेक्स्ट वन ओवर हियर, ये मुझे बहुत पसंद है। ये आई थिंक कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी है जब मैं शूट के लिए जाती हूँ। आई थिंक फ्यू पीपल हैव आस्क्ड मी रिगार्डिंग दिस रिंग, क्योंकि मैं इसे नॉर्मली इसी फिंगर पे पहने रहती हूँ, ऑन माई इंडेक्स फिंगर, और इस वाले फिंगर पे, माई मिडिल फिंगर, मैं यूजुअली कोई रिंग डाल के दिखाती हूँ व्हेन आई शो द ज्वेलरी। तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि ये रिंग आपने कहाँ से लिया था। सो अगेन दिस इज अगेन फ्रॉम कैरेट लेन। सिंपल सा रिंग है, सिंगल लाइन ऑफ डायमंड्स इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप इसे धूप में पहन के जाएंगे ना, शाइन बहुत अच्छा है। इट्स एट तो काफ़ी सुंदर सा रिंग है ये, इट्स वेरी स्टर्डी तो अच्छा है, थोड़ा सा मोटा भी है इसका बेस। तो यूजुअली मैं इसको रेगुलरली पहन ही रहती हूँ, नॉर्मली बहुत जगह पे आपने देखा होगा आई एम वेयरिंग इट लाइक दिस। तो यहाँ पर बाकी रिंग्स तो मैंने दिखा दिए, दिस इज अ न्यू एडिशन। अच्छा हाँ, इस रिंग का प्राइस इट वाज अराउंड 13 और 14,000 रुपीज़। ये भी मैंने पिछले साल ही लिया था या उससे पहले, थोड़ा सा 13 या 14 K का प्राइस है। ये भी कैरेट लेन से, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज माई न्यू एडिशन ऑफ रिंग, तो ये लेटेस्ट अभी नया ही मैंने खरीदा है। दिस वन इज फ्रॉम मिया बाई तनिष्क। तो सुंदर सा बट इन्फिनिटी रिंग है, प्लस इसमें ये बटरफ्लाई डिजाइन भी है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये रिंग। इट्स लाइट वेट और ये 14 कैरेट रोज गोल्ड का रिंग है। अगर आप पहनेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा ये रिंग, तो क्वाइट अ ब्यूटिफुल रिंग। तो बहुत सुंदर लगा मुझे ये डिज़ाइन, तो मैंने ले लिया था ऐसे कि इसे डेली पर्पज में भी आप पहन सकते हैं। और मियाँ भाई तनिष्का पे आप देखना रफनेस नहीं है रिंग में, मतलब आप ऐसे, ये नहीं है कि आप ऐसे करें ना तो स्क्रैच नहीं हो रहा है कुछ भी, तो मुझे अच्छा लगा। काफ़ी डेलीकेट, इट्स नॉट डेलीकेट एक्चुअली, इट्स स्टर्डी रिंग, लेकिन डिज़ाइन अच्छा था। तो इसका जो प्राइस मुझे अभी रिसेंटली पड़ा है, दिस वन इज ऑफ अराउंड 14,225 रुपीज़ फॉर दिस पर्टिकुलर रिंग। तो ये अभी एकदम लेटेस्ट वाला है। आई थिंक मैंने अभी तक इसका वीडियो भी नहीं डाला है फॉर द रिंग्स, क्योंकि मियाँ भाई तनिष्क के वीडियो सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज टू गो वॉच इट आउट। तो उसमें अभी तक मैंने रिंग्स डाला नहीं था, लेकिन मैंने आपको पहले से ही अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में दिखा दिया है ये रिंग। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल दैट आई हैव फॉर यू इन दिस वीडियो। प्लीज कॉमेंट सेक्शन बताएं कि मेरी डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन आपको कैसी लगी और इस तरह की वीडियोस आप आगे देखना चाहते हैं या नहीं। मेरी पर्सनल फेवरेट है रिंग्स, मुझे रिंग्स पसंद है जो आपने देख लिया, इसीलिए आई हैव अ लॉट ऑफ डायमंड रिंग्स विथ मी। और चेन पेंडेंट ये सब मैं कभी कभार ही पहनती हूँ, इवन दिस ब्रेसलेट ऑल्सो समटाइम्स आई वेयर, तो इसलिए ज़्यादा नहीं रखती। लेकिन आगे चल के आई हैव अ प्लान टू बाय लाइट वेट डायमंड की दिस बैंगल, क्योंकि गोल्ड के बैंगल तो मैं पहनती हूँ, इवन मैंने एक बैंगल अक्षय तृतीया में ही खरीदा था, बट आई एम थिंकिंग आई कैन वेयर अ डायमंड बैंगल, क्योंकि डायमंड बैंगल थोड़ी ज़्यादा स्टर्डी होते हैं कंपेयर टू गोल्ड बैंगल, क्योंकि 18 कैरेट या 14 कैरेट गोल्ड का रहेगा। तो वो जब आएगा आई डेफिनेटली शेयर विद यू। तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, एंड इफ़ यू वुड लाइक टू सी दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ गोइंग फॉरवर्ड।
तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे फ्रेंड्स। बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देखते भी नहीं हैं, कभी कभार देखते हैं, बट प्लीज़ प्लीज़ डू वॉच द वीडियोस, बहुत मेहनत लगती है एंड हेल्प मी इन बाइंग ज्वेलरीज। आप वीडियोस देखेंगे तो ऑब्वियसली मैं ज्वेलरी खरीद सकती हूँ। सो दैट्स ऑल, बट दैट इज़ ऑन अ लाइटर नोट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।